वालदैन तो ये जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं ना इस वक्त, वालदैन के इशारों पे नाचो दुनिया तुम्हारे इशारों पे नाचे, हाय हाय हाय, ये फार्मूला सीख जाओ। माँ बाप की बात समझ आती है कि नहीं आती, मान लेने में आफियत है। मेरी अम्मा का तो इंतकाल हो चुका है, तो जब वो मैं एक ही बेटा हूँ, तो वो वफात से ना एक दिन पहले, कोमा में जाने से पहले, तो मास्क लगा हुआ था ना, मुझे यूँ देख रही ना मेरे से बड़ा प्यार, तो बेटे से तो वैसे ही। किसी ने उस दिन हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह से पूछा कि अल्लाह का जलवा क्या होता है, तो जवाब दिया माँ के लिए बेटे का चेहरा अल्लाह का जलवा होता है। तो मुझे कहा मास्क उतारो, तो ये मास्क उतारा तो हल्की सी आवाज़ में बोला कि मेरे बड़े प्यारे बेटे हो। तो और ये लास्ट अल्फाज जो उनके अल्फाज जो मेरे से बात हुई, उसके बाद वो कोमा में। और तो ये जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना, तो मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस वक्त अम्मी के साथ था, वरना हमेशा का पछतावा रह जाता है ना। वो हजरत भी कहते हैं कि इतनी कामयाबी ना हासिल कर लेना कि माँ बाप को छोड़ देना, वो कामयाबी नहीं है, वो बड़ी नाकामी है। अगर तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे राजी तो तुम्हारी दुनिया बन गई, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी तो तुम्हारी आखिरत बन गई। तो हम जो कहते हैं ना कि दुनिया और आखिरत दोनों चाहते हैं, तो देख लो अपनी जिंदगी पे, बीवी बच्चे राजी हैं मुबारक हो, माँ बाप राजी हैं, अल्लाह राजी है।